हेलो एवरीवन, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, ये हम आप सभी के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज हम आप सभी को अपनी फैमिली मानते हैं। ठीक है, देखो हम आप सभी को काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, इस चैनल पर आप सभी जुड़े हुए हैं एंड हम आपके साथ हर एक चीज शेयर करते हैं, चाहे वो कोई भी हैपनिंग हो। एंड वी थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी ऐसी सिचुएशन आए एंड कोई ऐसी बात हो तो हमें वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड इसीलिए हम आप सभी के साथ ये शेयर कर रहे हैं, तो वॉच इट टिल द एंड। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे फादर आर्मी में उन्होंने सर्व किया फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ही वॉज इन द मिलिट्री एंड उन्होंने 20 साल नौकरी करी, देश को सर्व किया। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया देश को प्रोटेक्ट करने की, सर्व करने की। बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग थे। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि कैसे छुट्टियों में वो आते थे हमसे मिलने के लिए, काफी कम टाइम रुक पाते थे एंड देन दोबारा जाना पड़ता था। एंड कभी कहीं पोस्टिंग होती थी, कभी कहीं पोस्टिंग होती थी, तो बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते थे हम। एंड वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते थे इस चीज को लेकर। और आर्मी में भी जो कमांडो टीम होती है, यानी कि जो सबसे कहते हैं ना कि जो जिसमें हार्ड ट्रेनिंग होती है आर्मी कॉर्प्स की, उसके हेड थे हमारे फादर। यानी जो कमांडर टीम के जो लीडर होते हैं वो हमारे फादर थे। जितने भी कॉम्पिटिशन होती थी, रेसेस होती थी, तो उसमें हमेशा फर्स्ट आते थे। सो ही वॉज रियली पैशनेट अबाउट हिज जॉब। सो देखो फ्रेंड्स, जब वो सर्व कर रहे थे अपनी जो अपनी नौकरी में वो सर्व कर रहे थे, देश को सर्व कर रहे थे। एज वी ऑल नो, कोई भी सिस्टम जो है वो पूरा प्योर नहीं होता है, हर जगह बुरे लोग होते हैं। ओके, तो उस सिस्टम में एक करप्ट ऑफिसर था जिनके साथ पापा लड़ाई हो गई, वो उनको उनकी करप्ट जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको रिपोर्ट करने लग गए एंड एक टाइप से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले गए। ठीक है, लेकिन कोई भी जो जस्टिस है वो नहीं मिला। जो वो ऑफिसर था वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी रैंक का था, तो उसको बिल्कुल भी जो उसको सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कोई भी एक्शन एक टाइप से नहीं लिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहते हैं कि अब जो हमारे फादर हैं वो उस ऑफिसर के अगेंस्ट, वो जो करप्ट ऑफिसर थे जिन्होंने गलत किया था, उसके अगेंस्ट जो पापा है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपना एक अलग यूट्यूब चैनल भी बना लिया है AWL सैनिक के नाम से। वहां पर वो अपनी सारे वीडियोस डाल रहे हैं डिटेल में कि क्या क्या हुआ था। पूरा वो जो मटेरियल है वो उस चैनल पर है बिकॉज वो सेपरेट होना चाहिए एंड वो अपनी एक्सपीरियंस एक टाइप से शेयर कर रहे हैं ताकि फाइनली जस्टिस मिल पाए। ओके, एंड देखो फ्रेंड्स, ये इनजस्टिस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो नीट स्कैम हुआ, जैसे आप सभी देख ही रहोगे, रोज न्यूज में आता है कि जो 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि इस नीट के एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने पेपर को लीक करवाया था। हालांकि शुरू में एनटी का जो हेड था वो कह रहे थे कि नहीं, कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली जैसे जैसे फैक्ट चेक हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, तो सामने अभी ट्रूथ आ रहा है धीरे धीरे। ये कब आया ये ट्रूथ हमारी सब जनता के सामने? ट्रूथ कब आया? जब यहाँ पे 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया चैनल्स जब इसमें इन्वॉल्व हुए और जब सरकार पे प्रेशर बना, तब जाके ये ट्रूथ यहाँ पे हमारे सामने आया है। तो आपको इस चीज का इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज करने की, हम भी सिटीजन्स हैं इस कंट्री के और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश में जो भी गलत हैपनिंग्स हो रही हैं, आप नीट का एग्जाम्पल ले लो या फिर हमारे फादर का या जो केस चल रहा है, ये इसके बारे में हमने आपको बताया। जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब जनता का, सिटीजन्स का प्रेशर बढ़ेगा कि यहाँ पे इतना गलत काम हो रहा है, इस पे जस्टिस हो, जस्टिस सर्व हो, जैसे स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा रीनीट की वो डिमांड कर रहे हैं, तो अभी पूरी सारी सरकार और जो उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस पे एक्शन कर रही हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि हमें एज अ अवेयर सिटीजन हमेशा गलत के अगेंस्ट आवाज अपनी उठानी चाहिए। ओके, अभी जैसे स्टूडेंट्स के केस में था, तो अभी ये मिलिट्री का जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने पापा की हेल्प से, अब पापा के केस में जो भी हुआ उसकी हेल्प से हम आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप सभी हेल्प कर सकते हैं हमारे पापा के चैनल को, वहां पे जाके वीडियो को देख के शेयर करके उनको। ठीक है, बिकॉज देखो, जितने ज्यादा वीडियो शेयर होंगे उतने लोगों तक आवाज पहुंचेगी, सरकार पे दबाव बनेगा एंड फाइनली कोई एक्शन होगा। ठीक है, तो हम आपके साथ ये शेयर करना बहुत ही जरूरी समझते हैं बिकॉज देखो, हम सब अब सिटीजंस हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम इस देश के वासी हैं। ठीक है, जो मिलिट्री है, जो डिफेंस के लोग हैं, वो हमें ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी ही रक्षा कर रहे हैं, है ना? तो दे आर सर्विंग अस, तो एक टाइप से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एंड हम सभी स्टूडेंट्स हैं, इस सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी आगे क्लिप आप देख सकते हैं, अलग से चैनल भी बना हुआ है, आप शेयर करें इसे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचे, ये न्यूज पहुंचे एंड फाइनली एक्शन हो पाए, जस्टिस मिल पाए। ओके,
सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था एंड ये हमने आप सभी के साथ शेयर किया। इस केस की जो बाकी डिटेल्स है वो हम वीडियो भी आगे अटैच कर देंगे हमारे फादर का, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप आराम से सुनना एंड अंडरस्टैंड करना कि ये केस असल में है क्या और कितना ज्यादा यहाँ पे बड़ा इनजस्टिस हमारे पापा के साथ हुआ है। एंड बेसिकली आर्मी में ये जो हुआ है ये पूरे देश को अफेक्ट करता है ना, आप सभी जानते हो। सो और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखो ये फ्रेंड्स हम सारे यहाँ पे वीडियोज इसलिए नहीं डाल रहे हैं, बार बार वीडियोज नहीं डालेंगे बिकॉज देखो ऑब्वियसली ये एक एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाई हम यहाँ पे करवाते हैं तो वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सेपरेट चैनल है। बस ये एक वीडियो बना के हम आप सभी को बताना चाहते थे, नोटिफाई करना चाहते थे, अगर आप ऐसे हेल्प करेंगे दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा, आप रियलाइज करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस एंड दैट्स ऑल।